चुप वुमन गन हटाओ मैडम ये देखिए लाइव गुंडा कर दी मैडम डॉक्टर यहाँ बता रही है और ये इन्होंने इन्होंने उस लड़की को धमकाया है बोला है कि मेरे पति इन्होंने खुद बयान दिया है वो लड़की ने अगर यहाँ पे मीडिया सुनने के लिए तैयार है अगर यहाँ पे राजनाथ का लड़का है मैडम आपकी भी सुनी जाएगी आपकी भी सुनी जाएगी लेकिन प्लीज माइक के साथ समझ कीजिए बताइए आपका क्या कहना है राज नाम का लड़का है कोई राज नाम का लड़का यहाँ राज नाम का लड़का है कोई कोई राज नाम का लड़का नहीं है मैडम पहले बताओ ना आपको एक मिनट मैं डॉक्टर पूजाऊँ अस्पताल की ओनर हूँ रुक जाओ मैडम आप पे आरोप लगाया है नहीं नहीं मैंने कोई आरोप आरोप लगा रही है आपके सामने बताओ बताओ सुन एक मिनट तेरी वीडियो मैं दूँ अब अगर आप वीडियो देखने के लिए तैयार हो मैं दे दूँ मीडिया के सामने रिकॉर्डिंग सुनाते हैं नहीं नहीं मैं वीडियो दूँ सुनो आप पे दूँ या यूट्यूब पे दूँ आपको जहाँ लगे वहाँ दो अगर कोई सुनो मैडम माइक को ऐसे मत छेड़िए माइक को मत टच कीजिए आपके सामने इनके आदमी पैंट खोल के खड़े हुए थे कि नहीं हुए थे क्यों हुए थे ये गवाह उस बात के ये उस बात के ये देखिए ये मैडम जो ये आरोप लगा रही है आप जाने वाले काम सुनो माइक पे आरोप लगाओ शर्म आपको शर्म है कि नहीं है आप कह रहे हो बेटी की मैं उत्तराखंड की हूँ मैं भी तेरा दूर आपके पति के और ऊपर आरोप लगा रही है मेरी जाने जो डॉक्टर है वो क्या कुछ बयान देना चाह रहे हैं क्या कुछ उनका कहना है ये देखो मैडम यूट्यूब पे डालने की आप बात करें ये देखिए बेटी साथ में है हमारे मैडम क्या कुछ मैडम हाथ मत लगाइए माइक पे ये देखिए कितनी बदतमीजी मैडम किसे की जा रही है ये देखिए माइकों पे हाथ हाथ मार रही है ये डॉक्टर ये गुंडा कर दी है डॉक्टरों की ये डॉक्टरों की गुंडा कर दी देखिए आप दादागिरी भी चल रही है ये आप देख सकते हैं गुंडों की दादागिरी ये अपने आप को डॉक्टर बता दिया है लेकिन आप देख सकते हैं बिल्कुल ये देखिए आप देखिए यहाँ देखिए आप देखिए इनकी गुंडा कर दी ये लड़की की फोटो और वीडियो वायरल करने की बात कर रहे हैं यूट्यूब में चिल्लाओ वायरल ये देखिए आप सुन गुंडा कर दी सही लगी अगर कोई भी बात है मुझसे बैठ के बात कर लो मैं सही के साथ हूँ लेकिन चीजें हमारे पास भी हम झूठ नहीं बोल रहे मैडम आपके पति के ऊपर आरोप लगाए हैं कि वो पैंट खोल के खड़े हैं एक मिनट और दूसरा ये अगर ये भीड़ 10 मिनट के अंदर यहाँ से नहीं निकलती तो मैं जाके ऊपर सुसाइड कर रही हूँ जो बाप का आरोप रोक लो धमकी दे रहे हो अच्छा और ये एक डीएलसी का कितने रुपए लेते थे ये 25 से 30 हजार रुपए 25 से 30 दो महीने में हो चुकी है अनमेरिड की बहुत हो चुकी है डीएलसी के केसेस मतलब लीगल है या इलीगल है इसके लिए तो कोई भी हॉस्पिटल वो नहीं कर सकता आपके पास आपका आधार कार्ड है आधार कार्ड सब कुछ है अभी है अभी नहीं फोन में है नहीं फोन में नहीं है तुम्हारे भाई द्वारा उससे मंगवा लो भाई मेरा अपना पूरा एड्रेस बताइए मैं हरिद्वार ज्वालापुर से हूँ क्या नाम था आपका मेरा नाम शिवानी है आपको इनसे डर है हॉस्पिटल वालों से मुझे कोई डर नहीं है उस दिन उन्होंने मुझे बहुत डराया धमकाया लेकिन जब इन्होंने मुझे पैसे पावर की धमकी दी कि हम मेरठ के गुंडे हैं तुम हमारा कुछ नहीं कर पाने की तुम्हारी शादी नहीं हो पाने की अगर तुमने ये बात यहाँ से बाहर जाने दी तो उनकी जो वाइफ है उन्होंने मेरे सामने हाथ पैर जोड़े कि मैं रोने लगी मेरा बच्चा है मेरा ये वो तब मैं जाके थोड़ा शांत हुई लेकिन उनकी खुद की मम्मी ने मेरे से बात की है मैडम की कि हमारा लड़का हर बार पिटता है ये हर बार ऐसे करता है तुम रिपोर्ट करो तुम मतलब वो हर बार करता है हर एक से करता है रिकॉर्डिंग है मेरे पास सब कुछ है मेरे पास उनकी खुद की बहन ने उनकी जो साली है
उनकी साली ने, उनकी खुद की मम्मी ने मेरे से बात की है कि बेटा तुम एक्शन लो इसके खिलाफ, हम इसलिए बोल रहे तुम लड़की हो, हम तुम्हें भड़का नहीं रहे। उत्तराखंड की गंदगी में शामिल हो उसे ऑन द स्पॉट सजा मिलनी चाहिए, चाहे अपनी मौत मर जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस वालों के सामने मरेगी, ये पुलिस वाले खड़े हैं उनके गेट पे, फिर भी हमें धमकी दे रही है, हमारे फोनों को फेंक रही है, मतलब इनकी पोल पट्टी खुलती नजर आ रही है, ये सुसाइड का नाटक करेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने सारे भाइयों का जो आज ये इतनी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। नहीं चलेगी।